आखिर क्यों बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट? आखिर क्यों इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाई कोई सरकार? आखिर क्या इम्प्लिकेशंस होंगे हमारी सोसाइटी पर? आखिर क्या ऑप्शंस है हमारे पास इस प्रॉब्लम का? सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स हियर रीजन क्या है इज नेवर एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट के। बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इफ दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। फर्स्ट मेन रीजन इज लार्ज पॉपुलेशन। जी हाँ गाइज, अगर आज इतनी पॉपुलेशन नहीं होती इंडिया में तो जॉब काफी इजी होता पाना, डिसेंट वर्किंग कंडीशन होता, बेटर सैलरी होती। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीजन है एजुकेशनल स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स। देखिए एजुकेशनल स्किल्स की तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम समहाउ हैंडल कर लेता है, बट वेन इट कम्स टू वोकेशनल स्किल्स हार्डली फ्यू नेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई सिखाता होगा। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पर्सन शायद कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ना बना पाए, लेकिन एक दूसरा पर्सन जो बस हाई स्कूल किया हुआ है उसके लिए वो वर्क केक वॉक जैसा होगा। थर्ड रीजन इज लो इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए गाइज, अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर किसी सेक्टर में है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि मास एम्प्लॉयमेंट बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे सकता है। बट डेकेड्स पहले हमारे गवर्नमेंट ने गलती ये करी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बजाय सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया, लेकिन इसका नतीजा शॉर्ट टर्म में तो अच्छा था बट लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि मास एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। फोर्थ रीजन है एग्रीकल्चर सेक्टर की लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स निकाली बट नतीजा कोई सुधार नहीं हो रहा। आज भी हमारी टोटल पॉपुलेशन का 46% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और इसका जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 16% है। हियर इज सो मच ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर की उसके लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। फिफ्थ रीजन इज ओल्ड सोशल नॉर्म्स एंड सोशल माइंडसेट। आज भी वुमेन्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज में मेल के बराबर कॉपरेशन नहीं मिलता है। 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रहती है एंड यू गाइज नो वहां पर लोगों का माइंडसेट अभी भी बैकवर्ड है। अदर रीजन इज ग्लैमर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। आप रीसेंट एग्जाम्पल ले लो, पैंडेमिक के बाद से सोशल मीडिया में IAS जॉब के लिए कितना ग्लैमर फैलाया जा रहा है, एंड इसकी वजह से न्यू यूथ्स अपने करियर के अदर ऑप्शंस बनाए बिना डायरेक्टली इस फील्ड में आना चाहते हैं। दे डोंट नो कि आज 30 लाख लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं बट वेकेंसी तो बस 700 है। क्या होगा आज से 5 साल बाद बचे हुए लोगों का? अब बात करते हैं क्या इम्पैक्ट्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पॉवर्टी एंड डिजीज बर्डन। रिच लोग और रिच बनते जाते हैं एंड पुअर लोग पुअर ही रहते हैं। इवन पैंडेमिक के बाद से तो ये सब तेजी से बढ़ गया है। क्रोज ऑफ पीपल गॉन बिलो पॉवर्टी लाइन। सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हाई क्राइम रेट देखने को मिलते हैं। लाइक एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए वहाँ के यूथ रॉन्ग पाथ चूज कर लेते हैं एंड इन लास्ट नेशन के ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयड पीपल आर इजिली टू मिसगाइड। एज यू गाइज नो, कितने इजिली पॉलिटिशियंस एंड कुछ लोगों को भड़का कर दंगे कराते हैं विच इन लास्ट नेशन हैज टू सफर। अगर आज भी हम एम्प्लॉयमेंट रेट को 1% इंक्रीज करते हैं तो हमारी जीडीपी में 2% की ग्रोथ होगी, बट अगर इतनी ही खराब है अनएम्प्लॉयमेंट देन गवर्नमेंट रोजगार क्यों नहीं दे देती? देन इट्स आंसर इज हमारे गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो मास लेवल पर जॉब्स दे सके। इन सिंपल वे गवर्नमेंट डजंट हैव मनी, बट हाँ एटलीस्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं एटलीस्ट उन्हें टाइमली कंप्लीट करना चाहिए एंड इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बट गवर्नमेंट रोजगार के मुद्दों से हमेशा बच जाती हैं क्योंकि सारे मीडिया चैनल्स बिके हुए लगते हैं। इट्स राइटली सेड, जैसा देखेंगे सुनेंगे आज नहीं तो कल वैसे ही बन जाएंगे। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हमारी भी बनती है। हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा सरकार के ऊपर थोप देते हैं इजिली। हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें उसी में ही अच्छा करने का सोचना चाहिए क्योंकि करने वाला उतने में भी अच्छा कर लेता है। हियर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉब्स बट हम बस सरकारी नौकरी में जॉब्स तलाशते रह जाते हैं। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरकार को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा।
एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बना दी, पर पढ़ाने का ढंग और सिलेबस नहीं बदला। आने वाले टाइम का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स जैसे हाई स्किल्ड प्रोफेशन का है, लेकिन ना तो हम प्रिपेयर्ड है इसके लिए और ना हमारी सरकारें। वेल, बस मैं इतना कहकर कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर 1% रिसोर्सेज भी है तो उसका यूज़ करके खुद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बनानी होगी। अदरवाइज 2035 के बाद हमारी पॉपुलेशन यूथ्स का रेशियो कम होता चला जाएगा एंड उसके साथ ही हमारी कंट्री की ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ इट्स वर्थ ऑफ।